तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और उससे पहले नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से नागपुरी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस फाइनली वो अपडेट आ चुका है जो कि आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे। सो गाइस एस बाबू के सॉन्ग को काफी ज्यादा आप लोग इंतजार करते हो और काफी ज्यादा इंजॉय करते हो जब रिलीज होता है। और एस बाबू जो कि इन दिनों काफी बड़े बड़े हिट एल्बम देते आ रहे हैं, और इतने बड़े हिट एल्बम देने के बाद बीच में अपने न्यू प्रोजेक्ट में जुड़ गए थे। तो गाइस इसी बीच में आप लोगों ने कई सारे लोगों ने हमसे पूछा कि एस बाबू के सॉन्ग कब आ रहे हैं और कितने सॉन्ग आ रहे हैं। लगभग 3 से 4 महीनों के बाद देखो फिर से कम बैक कर रहे हैं एस बाबू। तो गाइस आपको बता दें कि 2 बड़े सॉन्ग लेकर आ रहे हैं एस बाबू, जो कि अप्रैल के मंथ में रिलीज होंगे। और आपको बता दें कि एस बाबू के एल्बम जो कि काफी बड़े लेवल पर बनता ही है, और इस बार एक अलग ही लेवल पर बनाया जाएगा। और एस बाबू जो कि इस बार एक रोमांटिक सॉन्ग और साथ ही एक हिप हॉप सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जो कि काफी अलग और काफी हटकर लग रहा है। और आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि एस बाबू को इतना ज्यादा प्यार मिलता ही है, उनके सॉन्ग को इतना ज्यादा प्यार, फिर भी इतना देर से एल्बम रिलीज क्यों करते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि कोई भी एल्बम या सॉन्ग बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एस बाबू जो कि अपना काम खुद ही करते हैं, और सिंगिंग से लेकर एडिटिंग एक्टिंग खुद ही करते हैं, इसलिए उनको ऑलराउंडर भी कहा जाता है। तो गाइस आपको बता दें कि इतने सारे काम करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी समय देना पड़ता है। तो यार जाओ जाकर देखो एस बाबू के यूट्यूब चैनल पर, उसमें से एक छोटा सा टीजर अपलोड किया गया है दोनों ही सॉन्ग का, और दोनों ही सॉन्ग जो कि काफी शानदार लग रहा है। तो गाइस ये सॉन्ग का टीजर देख लियो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोग को कैसा लगा और आप लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।